जयपुर के जेईसीसी में विधिक सेवा पर दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री रिजिजू और सीजेआई एनवी रमन्ना ने किया संबोधित। सीएम गहलोत ने वकीलों की महंगी फीस को लेकर जताई चिंता, तो देश के हालातों को लेकर मोदी से फिर की शांति की अपील। राजस्थान विधानसभा को आज मिलेगी डिजिटल संग्रहालय की सौगात, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे लोकार्पण, मुख्यमंत्री गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे शिरकत, संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष विषय पर सेमिनार भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को दी मेगा सौगात, जालौर में 14,800 करोड़ में बने बुंदेलखंड एक्सप्रेस का किया लोकार्पण, सीएम योगी भी मौजूद। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का हो सकता है ऐलान। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड मामला, एनआईए ने 3 आरोपियों को किया कोर्ट पे पेश, अदालत ने मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी और फरहाद शेख को भी भेजा जेल। प्री पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का विरोध, देश भर में खाद्य व्यापारियों की हड़ताल, प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां बंद, दाल चावल और आटा मिलों पर भी लटके ताले। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, एमपी में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत, 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाया।